आई हूँ मैं कोरट। आज है कोर डे और अभी हम बैठे हुए हैं मोरो में और ये है मोरो बार का रूम देखिए। और भाईजान भी मेरे साथ है, हमारा केस लगा हुआ था तो हम केस के सिलसिले में आए थे मोरो। तो ये देखें तालका बार एसोसिएशन मोरो। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक डेज गुजर रहे हैं, मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग सोच रहे होंगे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ब्लॉग ना आने की वजह यही है कि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और फिर हम केस के बाद जब हम जीत गए हैं तो अपनी सेलिब्रेशन करने आए हैं और कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। अभी हम रेस्टोरेंट पर आए हुए हैं, खाना खाने फुल वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा सीनियर्स भी साथ में थे तो ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकी। जब खाना वाना हमने खा लिया तो ये फाइनल क्लिप है। जब सब निकल गए होटल से तो मैं फाइनल क्लिप आप लोगों के लिए बना रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये था होटल इमरान होटल जहाँ पे हम खाना खाने आए थे। और ये देखें आपकी सुबह सुबह तैयार होके प्यारी लग रही हूँ ना, यूनिफॉर्म कितना अच्छा लग रहा है एडवोकेट का। भाई जान एडवोकेट टू भी हैं, बस इनको 2-3 महीने लगेंगे और इनका फाइनल ईयर हो जाएगा। फिर इनके एंटीमेशन वगैरह सेंड करूँगी और फिर हो जाएगा भाई भी इनरोल्ड एडवोकेट। तो ये है हमारी कोर्ट, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी है। मोरो में कोर्ट छोटी है लेकिन डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फॉल्स में कोर्ट बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये देखें सुबह का मंजर था, सभी लोग अपने अपने काम से लगे हुए थे। नीचे फ़ोटोशॉप वाले हैं, एफिडेविट वाले हैं, मतलब सारे काम इधर से हो रहे हैं। और हमारा ये जो सीनियर हैं वो हैं सर एडवोकेट शेर मोहम्मद उजैन साहब, बहुत ज़्यादा अच्छे, खुश अखलाक, नेक, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यही वजह थी उनको ज्वाइन करने की क्योंकि माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मुझे अम्मी ने भी यही कहा था कि आप सर शेर मोहम्मद को ज्वाइन कीजिएगा, तो मैंने उनको ज्वाइन किया है। भाई भी मेरे साथ काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब हमारा वक्त गुजर रहा है क्योंकि सारी बातें न्यू चीज़ें हैं तो समझने में सीखने में वक्त लगता है। और यह था फिर सेकेंड डे का कुछ क्लिप, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़ाहिर बात बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वकालत का शोबा इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब मेहनत करने की ना ज़रूरत होती है। और लड़कियों के लिए तो टफेस्ट फील्ड है, मोस्ट टफेस्ट फील्ड, लेकिन ज़िंदगी में अगर आप टफ़ चीज़ों को नहीं करेंगे तो मज़ा क्या। तो ये देखें पीछे जो लोग हैं वो केस था उनका। और ये अभी मैं आपको दिखा रही हूँ डायरी। और ये मेरी वॉच देखें प्यारी है ना, और रिंग, वॉच, यूनिफॉर्म, शूज़ कैसे लगे हैं आपको मुझे बताएं कि आपको अच्छे लग रहे होंगे। बस इसी तरह से हमारी लाइफ गुजर रही है कोर्ट कचहरियों में। और ये फिर तीसरा दिन आ गया है और मियाँ जी का आज था डेंटिस्ट डे, मतलब हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास क्योंकि मियाँ जी को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था दांतों में। तो एक जो इनका टीथ है ना वो एक्सट्रैक्ट हमने करवाया है, तो एक दांत निकलवाया है मियाँ जी का और बहुत ज़्यादा दर्द था, मियाँ जी को दर्द कर रहा था ना तकरीबन 3-4 दिनों से। फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और ये देखें फाइनली हम आ गए हैं, तो मियाँ जी का चेकअप चल रहा था, फिर अभी लाइट चली गई, लाइट का इशू था और हम आए हैं डॉक्टर अली के पास, डेंटिस्ट के पास। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इनके क्लिनिक पर ज़रूर आएँ। और अच्छे मुनासिब रेट्स में ये आपको आर्टिफिशियल टीथ, क्राउन्स वगैरह वो भी लगा देंगे। और फिर हम डॉक्टर अली के पास खा रहे हैं खाना, मिलाद शरीफ से आया था ये पुलाव और फिर हम पुलाव खा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, खुश अखलाक हैं, अच्छी तबीयत के मालिक हैं और पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कोऑपरेट करते हैं, तो आप इनके पास ज़रूर आएँ। और फिर हम फाइनली आ गए हैं बैंक पे सैलरी निकलवाने। तो ये देखें रात का मंजर है और मेरा मुंह देखें कितना उतर गया है क्योंकि सारा दिन कोर्ट में ना बस चलना फिरना होता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब सारी बातें हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, तो वेट लॉस खुद ही खुद होता जा रहा है। और एक महीना मैं बीमार भी थी, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस हो गया मेरा। तो अभी हम अलाइड बैंक पे हैं और फिर मैं आ गई हूँ फाइनली फयाज भाई का फलूदा खाने, बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका फलूदा, आप ज़रूर आएँ। और यहीं से फालूदा खाएं, मैं तो इनसे ही खाती हूँ पूरे नौशहरा फ्रोज़ में इनका फालूदा।